हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा बहुत ही अच्छा सा होममेड हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है, बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन वो सारे ऑयल्स आपके बालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें मिनरल ऑयल्स होते हैं, बहुत सारा फ्रेग्रेंस होता है जो कि आपकी स्कैल्प को इरिटेट करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगेगा। इसलिए मैं हमेशा घर पे ही ऑयल बनाती हूँ, मार्केट का मैं कोई ऑयल नहीं यूज करती हूँ। इवन मैं सीरम भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि सीरम में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बट यहाँ पे बात ऑयल की हो रही है तो हम लोग ऑयल के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप घर पे ही ऑयल बना के अगर अपने बालों में लगाएंगे ना तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो ये जो ऑयल है ना, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ और ये ऑयल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस होममेड हेयर ऑयल को बनाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड का। फ्लैक्स सीड पावर हाउस होता है न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत सारा विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप फ्लैक्स सीड ऑयल यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ पे मैं फ्लैक्स सीड ऑयल घर पे ही बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले लिया है फ्लैक्स सीड, उसके बाद मस्टर्ड सीड लिया है। ठीक है, मस्टर्ड सीड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। तो जो मस्टर्ड सीड होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके पास ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल बहुत लोगों के घर पे ही होता है एकदम प्योर फॉर्म में, तो आप उसी का यूज किया करिए। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल घर पे ही बनाने वाली हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यूज होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। पहले इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे तिल का तेल ले रही हूँ, यानी सीसमी ऑयल ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने कैस्टर ऑयल डाला और ये जो है ये आर्गन ऑयल मैंने डाला है। तो जो तिल का तेल होता है ना, वो स्पेशली फॉर विंटर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि इसको डबल बॉइलिंग मेथड से थोड़ा सा गर्म करूंगी। क्या करती हूँ मैं ना, जब भी मैं मुझे ऑयल लगाना होता है उसके एक दिन पहले मैं ये ऑयल बनाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो पाउडर है फ्लैक्स सीड का और मस्टर्ड सीड का वो है। तो मैं इसमें से 1 टेबल स्पून इसमें इस ऑयल में डाल दूंगी और इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म कर लूंगी मैं, उसके बाद मैं इसको ढक के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूंगी। और इस ऐसे अगर आप ऑयल बनाते हैं ना तो इसकी सारी गुडनेस जो होती है वो प्रिजर्व रहती है। अभी आप देख सकते हैं ये जो पाउडर है मैंने इसमें बॉटल में भर के इसको रख लूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुझे लगाना होगा अपने बालों में तो मैं अगेन इसको हल्का गुनगुना करूंगी। उसके लिए मैं डबल बॉइलिंग मेथड का यूज करूंगी फिर से। आप देख सकते हैं इसका जो फ्लैक्स सीड के अंदर जेल होता है ना वो निकलना शुरू हो गया है, इसीलिए ये आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं कर रही हूं तो थोड़ा सा ये जली जली लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लूंगी। ये जो ऑयल है ना वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके बालों से बहुत सारी समस्या को दूर करेगा, हेयर लॉस को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा, आपके हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके बाल मजबूत होंगे तो हेयर लॉस वैसे भी नहीं होगा। आपके बालों की अगर जड़ें कमजोर होती हैं तो वो बहुत तुरंत ही निकल जाता है, जैसे आप कई बार होता है ना ऐसे आप बाल छूते हैं तभी बाल आपके निकलने लगते हैं। तो ये जो ऑयल है आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूं इसको, इसको अच्छे से मैं अपनी स्कैल्प में प्रेस कर रही हूं ताकि वो अच्छे से मेरे जो स्किन है मेरी स्कैल्प की उसमें चला जाए। ठीक है, तो अच्छे से इसको गुनगुना गर्म करके ऐसे कर लीजिए, आप बालों में लगा लीजिए, फिर उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस ऑयल से आपको डेफिनेटली। मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है आपको, और साथ ही मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।